अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अम्मी हलीमा का किचन। ये देखें, हम बैठे हुए हैं लिविंग रूम में सना जी के, तो अब्बू जी देख रहे हैं T20 का जी, वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान का मैच लगा था वो, तो साथ में कमेंट्री हो रही है। और बस अब्बू जी ने ना सना जी ने दही खिला दिया, अब वो बना रही हैं अब्बू जी का अंडा ब्रेड। वो खाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर चाय पियेंगे और बाकी का दिन आपके साथ। ये देखें जी, ये आ गया है, देखो अब्बू जी ना लगो बोलना नहीं जी। आओ देखो जी, अब्बू जी का अंडा टोस्ट आ गया और एक और आउट हो गया। शाह ने, फरीदी ने एक और आउट कर दिया है, वो देखें जी। और ऐ देखो जी, मैच देखा जा रहा है साथ साथ। किन्ना स्कोर है? अच्छा किन्ना स्कोर है? 125 ते 7 आउट। 8 गेंदा दे 8 बना के आउट होया है। नहरा का नाश्ता आया जी, पराठा साग और अंडा, माशाल्लाह जो ना खाएगा है मजे के। ये मजेदार लग रहा है, मजे का पराठा भी शानदार, नाइस। चलो जो ना खाए फिर बताए कैसा बना है। पुप्पू ने कितना मज़े का मज़ेदार का बना है। देखो जी, नाश्ता ऐसा होना चाहिए। मैं कहनी है हमें ऐसे ही नाश्ते, माशाल्लाह हम छोटे होते करते थे, हमारी अम्मी ऐसे ही नाश्ते खिलाया करती थी हमें माशाल्लाह से। डबल रोटी जब हम बीमार होते थे तब मिलती होती थी कि बस, वरना पराठे थे, अंडे और रात का बचा हुआ सालन और दही मक्खन लस्सी माशाल्लाह। और ये जो निक आएगी, ये देखें जी, देखें जी, पाकिस्तान आहो हूँ पाकिस्तान की खेलन की वारी है ना, हूं भी तो चौके छिके लगानगे ना। ये T20 है, चौके छिके ही लगते हैं। ऐ देखो जी, सुबह सुबह नाश्ते के बाद T20 का मैच देखा जा रहा है। यहाँ जो ना खाना खा रहा है नाश्ता। और ये देखें जी, ये क्या है? चाय, चाय। चाय कौन लेके आया है? मेरी बेटी लेके आई है चाय। हाँ जी, ये देखें जी माशाल्लाह, दूध पत्ती वाली चाय अब बुज्जी पियेंगे माशाल्लाह। ये देखें जी, चाय में मीठा नहीं है, देखो अखरोट दीजिए चाय के साथ। सना जी कह रही है चाय फीकी है तो तुसी मिट्टी करके पी लो। मिट्टी करके खाए। हाँ फीकी चाय क्यों पी जी? हमने फीकी चाय दी ना, सना जी के दिल को कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा हाय अबू जी फीकी चाय क्यों पी? उन्होंने ना लाया, देखो लुआज मात रख दी कि अबू जी साथ मिठाई खाए। अबू जी बस एक खा लीजिए ना, और ना खाइयो। अबू जी ना कह रहे मेरे तो अगे प्लेट रखी है, ता रखी कि मैं सारी मैं खानी है, नहीं थोड़ी सी खा ली थी बस, बस बस शुगर ना आई हो जी। ये देखिए जी, नई चीज लेकर आई है सना अबू जी के, ये ब्रेड स्टिक होती है। ये ब्रेड स्टिक चाय में डिबो के अबू जी, इस्लामाबाद आई हुई है, इस्लामाबाद से आई हुई है। अच्छा, चाय च डिबो के फिर खानी है। सानू पेंसिल फड़ा गई है, पेंसिल में चाय डुबो। ये पेंसिल को ऐसे चाय में डिबो के ना, अब कहते पेंसिल फड़ा गई मेनू, ऐ खा के दसो। बड़ी मजेदार है, कैसी है? चंगी है? हाँ चंगी है, नमकीन है। चाय च डुबो के खाओ, ये नमकीन वाली है। हाँ हम मिठाई उठा लेते हैं, हम स्टिके हाँ ऐ खानियां ने, ऐ फिकियां ने, एनु जी चुपड़ा इथे लाणी, आहो एदे नाल दी होई इथे बगा इथे लाणी है सारे दे फेर के फिर चाट डबो के चाट डबो वेख दे सही है। ये स्टिके फिकी है जी, असि इन्हां नूं मिठा करके खाना है। हैं और क्या, माशाल्लाह। देखे जी मैच चल रहा है, साथ साथ में मिठाई और ब्रेड स्टिक्स और चाय। फंडन डेन, ओए बड़ा उच्चा छिक्का मारिया उन्होंने, है मेरे बुजी कहते चंगा फंडन डेन है उन्होंने। फेंटी पै रही है जी, फेंटी पै रही है। ऐ देखो जी फेंटी चल रही है, फेंटी यहाँ। ये देखें जी, बहने हो तो ऐसी हो जड़ियाँ कहन
कि तुसी कदी स्लिम स्मार्ट ही ना हो जो ये कहें बस खा के तो सो जाओ दोपहर न उठो दोपहर के खाने वास्ते बस राती इस ये देखे जी इनका प्यार मोहब्बत आपको सामने नजर आ रहा होगा ऊपर तैरता हुआ और ये अंडे के ऊपर दोस्त रात लेके आई है लैला मैं लैला साग गोर ऊपर मक्खन सही है लैला बुखारी मैं ये खा के सो जाऊंगा कूक नहीं कूक और इसके मैं कह रही है मजेदार जी साग देखिए डिलीशियस ये है हमारा नाश्ता तो हूँ कह देख के ऐ ना कही वाई तुम कि खाते हो अल्लाह का शुक्र है अलहमदुल्ला कहना चाहिए अल्लाह ने अगर दिया है खाने को तो खाना चाहिए खाएं ये ना कहें कि हाय हाय इन्ना नहीं खाना है कि दे कि बस खा लो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह इसमें ऑयल कहाँ नजर आ रहा है आपको देखें देसी घी में बना हुआ देसी घी की करामात सुन लिया सना जी ने खुद देसी घी बनाया हुआ है माशाल्लाह से जोने ने अल्लाह कड़ी चीज रह गई है ना पीछे ये देखें जी सुवांजने का चार सुवांजने का चार सुवांजने का चार और ये है नाश्ता जो मैं करूंगी आस्ता आस्ता खा के भी होश हो जाएगी मर्चे लगेंगी तो साथ में मिठाई भी मौजूद है जी खाने के लिए बस पाकिस्तान जी मैच भी जीत गए हैं बुजी जीत गए ना पाकिस्तान हैं पाकिस्तान जिंदाबाद अब को रेस्टिंग नहीं लगा के दिया आज अब को क्रिकेट दिखाया सुबह सुबह बस ये देखें जी सना जी ने बनाई है सबा फैसल की जो रेसिपी है वो पर ये मैं कहती हूँ जो सना जी ने बनाई है वो भी लाजवाब है उसका भी कोई जवाब नहीं आप खा के बताइए मैं खाऊंगी मुझे देखने में बड़ी मजे की लग रही है आप ये अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा हमने शेयर कर दी है और हमारे जो ये शेयर बैठे हुए ये सारी चाट खा जाएंगे आप ये लाइव चली जाए लाइव जाए चाट के साथ लाइव लाइव जाओ चलो लाइव भी जाते हैं ये देखें हम क्या खा रहे हैं प्लीज देखें ये बनाया है जी इनकी रेसिपीज आपको मिलेगी सना जी के किचन सना जी के किचन में और व्लॉग में और ये हम लंच करने लगे हैं ये माशाल्लाह सलाद है और ये जी बुजी बैठ के खाना खा रहे हैं माशाल्लाह और जबरदस्त माशाल्लाह फूड लग रहा है जी यम्मी अबू जी माशाल्लाह तैयार हो गए हैं जी हम जा रहे हैं मेहंदी पर ये जी हम एंटर हुए शादी वाली गली में और गली पूरी गली को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था बताया जा रहा था कि जी शादी वाला घर कौन सा है माशाल्लाह तो ये लाइटें जहाँ जहाँ तक जाएंगी ये शादी वाला घर आपको एंड पर नज़र आएगा तो बड़ी अच्छा लगता है कि ऐसे कि शादी वाला घर पूरा मोहल्ला जिसको पता हो कि जी शादी इस घर में हो रही है और सबको जो है डायरेक्शन ईजीली मिल जाए और इतनी डिटेल के साथ लाइटें और इतनी खूबसूरती से सजाई गई थी कि वो देखने लायक थी माशाल्लाह और जी ये देखिए शादी वाला घर हम पहुंच गए खैर से और हमें बहुत जी मज़ा आया पहुंच गए हैं जी माशाल्लाह से है देखो जी लाइट ध्यान ना बुझी अगर ना लीजिए ध्यान ना देखो लाइटें शाइटें हो रही हैं इंतज़ाम किधर किया हुआ है हाँ जी तारा के ध्यान तारा ने नंगिया ने बैठे पीछे और जी मैं खाने लगी हूँ मैं खाने नहीं लगी मैं गिराने लगी हूँ चावल और ये जी आई है माँ की दाल ये रस्म है माँ चने की जो कि इनके मेहंदी के फंक्शन में सर्व की जाती है दी जाती है तो इसका पर्पस क्या है ये हम फाइंड आउट करके बताएंगे ये देखें जी मेहंदी की जो है ट्रे चूड़ियाँ हैं इसके अंदर आई थिंक ऐ देखो जी ये क्या है ये पहनाई जाएगी दूल्हे को और इसमें रखी जाएगी मेहंदी
नाइस मेहंदी माशाल्लाह सही है, देखिए गुले को लगनी है मेहंदी और ये जाएगी इसके अंदर लाएं जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲਗਾਏਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਉਪਟਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਪਟਨ ਉਪਟਨ ਉਪਰ ਲਗਾ ਦੇ ਤੇ ਇਸਕੋ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਟੈਨ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਪਟਨ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ मेहंदी की टोकरी हो गई है तैयार, तेल है मेहंदी है और उपटन है और ये जी दूल्हा जी को लगाया जाएगा। चलो ऐसे सही आएगा, आ रही क्लियर ये देखे जी जा रही है जी दूल्हे के लिए। चलो चेहरे टोकरी आगे मूवी नहीं बनेगी सारे जी यहाँ बैठे हुए हैं और ये देखे गहमा गहमी का सामान है लावांगी बस देखो जी मेहंदी जी ये दूल्हे की मामा मेहंदी लगाने लगी हैं और मिठाई खिलाने लगी हैं। ये देखिए रस्म हो रही है जो कि वो करेंगी, माँ से शुरू होती है फिर बहनों पर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनकी बारी आती है। देखो जी तेल लगाया सर में और मिठाई खिलाएंगे मेहंदी मेहंदी लगाएंगे शरबाले को भी लगेगी जी मिठाई खिलाई जा रही है ढोलकी रख ली है जी। आज देखे ढोलकी का होने लगा है समां बनने लगा है तो आप लोग साथ साथ रहे हमारे। देखो जी ढोलकी को गोड्डों के दरमियान सेट कर दिया है जब तालियां चलो शादी।
सना एंड जुनैरा और हम मैं और बुद्धि ध्यान से पीछे पीछे और ये झूले वाला भी देखे मौजूद है यहाँ। खैर से इंटरटेनमेंट फुल है ध्यान बुझी ऐसे है और ढोल की भी आवाज़ आपको आ रही होगी। और अब हम जा रहे हैं घर ऐ बुझी ध्यान नल नीचे देखे नीचे देखे बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला ध्यान नल ये ढोल देखे वाह 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 ढोल जबरदस्त वाह। आज इन्होंने ढोल जो है ना बस बजा के उड़ा छड़े ने नहीं